नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com का टॉप 20 बुलेटिन। बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी का 94वां जन्मदिन आज, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी बधाई। लालकृष्ण आडवाणी से मिलने उनके घर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे मौजूद। लखीमपुर हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई, पिछली याचिका में कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई थी फटकार। आज से नहाए खाए के साथ महापर्व छठ की शुरुआत, देश भर में उल्लास का माहौल। राजधानी दिल्ली की यमुना घाट से सामने आई कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें, जहरीले झाग के बीच स्नान करते नजर आए श्रद्धालु। देश भर में 24 घंटे में संक्रमण से मरने वालों की संख्या में आई कमी, 11,451 नए मामलों की हुई पुष्टि। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हमले से फिर दिल्ली घाटी, श्रीनगर में पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या। छत्तीसगढ़ के सीआरपीएफ कैंप में जवानों ने अपने साथियों पर की फायरिंग, 4 की मौत, 3 अन्य घायल। चेन्नई में 6 साल के बाद फिर बारिश का कहर, मकानों में घुसा पानी, 3 दिन भारी बारिश का है अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम के दौरे पर हुआ विवाद, कांग्रेस ने पूजा का लाइव प्रसारण और जूता पहनने पर जताई कड़ी आपत्ति। यूपी, हरियाणा और दिल्ली में जानलेवा हुआ वायु प्रदूषण, AQI लेवल 400 के पास। अगस्ता वेस्टलैंड डील से जुड़ी इटालियन डिफेंस कंपनी से बैन हटा, CBI और ED की जांच रहेगी जारी। रिपोर्ट का दावा, राफेल खरीद की डील के लिए कंपनी ने दी थी 65 करोड़ की घूस, CBI और ED को थी खबर। 9 नवंबर को होगी ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगनमोहन रेड्डी की मुलाकात। इस साल 119 हस्तियों को मिलेंगे पद्म सम्मान, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे सम्मान। त्रिपुरा में पत्रकारों सहित 102 लोगों पर लगा UAPA, एडिटर्स गिल्ड ने की पुलिस कार्रवाई की आलोचना। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2021 के लिए आज 5वीं कट ऑफ सूची जारी करेगा दिल्ली विश्वविद्यालय। हरे निशान में खुलने के बाद शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 231 अंक टूटा। लॉन्च से पहले ही क्रैश हुई महिंद्रा की अपकमिंग स्कॉर्पियो, लोगों ने सोशल मीडिया पर बनाया मजा। विश्व भर में कोरोना पॉजिटिव केस 25 करोड़ के पार, 50.4 लाख लोगों ने अब तक गवाई अपनी जान। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।